मुंह में रंग बगल में छुरी, इंसान के खाल में छिपा भेड़िया, दोस्ती के नाम पर छुरा घोपना, इन जैसी तमाम तरह की कहावतें अभी मुझे याद आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी घंटा। और इसके पीछे जानते हैं वजह कौन है? सोचिए सोचिए, नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। मुझे चीनिस्तान कहने का मतलब चीन की याद आ गई। क्यों भाई, उसने फिर से एक ऐसा काम जो किया है, आप ही देख लीजिए क्या किया चीन ने। डोकलाम विवाद भारत ने अपनी सोच समझ और कुटिल बुद्धि से सुलझा लिया, ये तो पता है आपको। लेकिन चीन को फिर भी शांति नहीं है। मतलब वो एक ऐसे जिद्दी और बदमाश बच्चे की तरह हो गया है, जिसे जानबूझकर दूसरों से लड़ने में मजा आता है। जैसे कक्षा के सभी बच्चों में एक ऐसा बच्चा होता है जो जबरदस्ती दूसरे छात्रों से पंगा लेता है और पकड़े जाने पर खूब कूटा जाता है, चीन भी बिल्कुल उसी बच्चे की भांति हो गया है। अरे मैं तो ये बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया चाइना के बॉर्डर से सटे भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में उसने गांव बसा लिया है। भाई देखो तो जरा चीन को, चीन की चोरी और इसके ऊपर से उसकी सीना चोरी भी। एक खिसियाई बिल्ली की तरह चीन बार बार पंजे मार कर भारत को डरा रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है और इस बार भी उसने कायरता का प्रमाण दिया है। चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर तक गांव बसा लिया है। जिस क्षेत्र में चीन ने गांव बसाया है वह इलाका ऊपरी सुबनसिरी इलाके में है। चीनी गांव में 101 घर बनाए गए हैं, जिसमें चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें शामिल है। इन घरों में चीनी लोगों को बसाया गया है। घरों के ऊपर चीन देश का झंडा भी लगाया गया है। वैसे ड्रैगन की इस नई कुटिल चाल से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुटिल रणनीति सबके सामने आ चुकी है और उनके इसी चाल के तहत लगभग 600 गांव बसाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपना यह गांव भारत के त्यसारी चू नदी के किनारे बसाया है। भारत के रक्षा सूत्रों के हवाले से आई खबर के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में चीन ने सन 1959 में कब्जा किया था। चीनी सैनिकों ने कुछ साल पहले ही यहां पर अपनी चौकी लगाई थी, जो समुद्र के तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर था। यही नहीं, चीनी सेना ने ढोकलाम घटना के बाद अब इस इलाके में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। चीन ने साल 1959 में असम राइफल्स को हटाकर इस इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तब से लेकर अब तक यह इलाका चीनी सेना के नियंत्रण में ही है और चीन धीरे धीरे करके कैसे इस विवादित क्षेत्र में अपना कब्जा जमा रहा है वो तो किसी से छिपा नहीं है। 2017 में डोकलाम में इंडिया चीन के आपसी वार्तालाप के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस विवादित क्षेत्र को लेकर चौकन्ना हो गए और तिब्बत में उन्होंने बॉर्डर डिफेंस विलेज बनाने की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटा। ऐसी तमाम वीडियोस, तमाम खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो साथ में कमेंट भी करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आप सबको पता चल सके और आप सब ऐसी कंटाप खबरों से एंटरटेन होते रहे। शुक्रिया।